Green City. Green City. Green City. Why Green City? Why Green City? Green City. Green City. Green City. Green City. Why Green City? Why Green City? खुशियों को अपनाना है, खुशियों को लाना है, खुशियों को लाना है। ग्रीन सिटी, ग्रीन सिटी, ग्रीन सिटी, ग्रीन सिटी, माय ग्रीन सिटी, माय ग्रीन सिटी, ग्रीन सिटी, ग्रीन सिटी, ग्रीन सिटी, ग्रीन सिटी, माय ग्रीन सिटी, माय ग्रीन सिटी, ग्रीन सिटी, ग्रीन सिटी, ग्रीन सिटी, ग्रीन सिटी, माय ग्रीन सिटी, माय ग्रीन सिटी। और एक कदम बढ़ाए, और एक कदम बढ़ाए, भारत को स्वच्छ बनाए, भारत को स्वच्छ बनाए, और एक कदम बढ़ाए, और एक कदम बढ़ाए, भारत को स्वच्छ बनाए, भारत को स्वच्छ बनाए, और एक कदम बढ़ाए, और एक कदम बढ़ाए, भारत को स्वच्छ बनाए, भारत को स्वच्छ बनाए, और एक कदम बढ़ाए, और एक कदम बढ़ाए, भारत को स्वच्छ बनाए, भारत को स्वच्छ बनाए। स्वच्छ रहे भारत, स्वच्छ रहे भारत हमारा, हम है किनारा, हम सब का है किनारा, स्वच्छ रहे भारत हमारा, स्वच्छ रहे भारत हमारा, हम सब का है किनारा, हम सब का है किनारा, स्वच्छ रहे भारत हमारा, स्वच्छ रहे भारत हमारा। ग्रीन सिटी, ग्रीन सिटी, ग्रीन सिटी, ग्रीन सिटी, माय ग्रीन सिटी, माय ग्रीन सिटी, ग्रीन सिटी, ग्रीन सिटी, ग्रीन सिटी, ग्रीन सिटी, माय ग्रीन सिटी, माय ग्रीन सिटी। यूपीएस पार्ला चौहान से नीलम मैम अपने बच्चों के साथ, तो स्वच्छता के लिए हमने सैटरडे में भी, सैटरडे को भी इंटीरियर और आउटर साइड ऑफ द स्कूल और जो साथ में सारा एरिया था वो सारा क्लीन किया बच्चों के साथ। बड़ा सारा प्लास्टिक का बच्चों को समझाया कैसे इसका यूज़ कम करना है, पूरे मार्केट में बताया। अभी मार्केट में पहुंच गए बारला चौगान हम, तो बच्चों की अवेयरनेस से इनके फैमिली तक मैसेज गया, मार्केट तक मैसेज गया। तो बच्चों से ही शुरू करेंगे, अपने घर से शुरू करेंगे तो हमारा गांव ठीक होगा, गांव साफ होगा तो शहर साफ होंगे, जब शहर साफ होगा तो हमारा देश क्लीन हो जाएगा, साफ हो जाएगा, और ऐसे करके पूरा विश्व साफ हो जाएगा। तो हमें छोटा लेके नहीं चलना है, सिर्फ बारला चौगान लेकर नहीं चलना है, हमने विश्व को लेकर चलना है। और क्लीननेस के लिए अपने दिमाग में, अपने रूटीन में एक अपना नियम बना लेना है, एक रूटीन बना लेनी है, जैसे आपका बाकी रूटीन रहता है। सबको होना चाहिए, सबके जहन में ये बात होनी चाहिए कि हम लोग गंद नहीं फैलाएं, प्लास्टिक कम से कम यूज़ करें, पोल्यूशन की तरफ जो जितना बढ़ रहा है उसको कैसे रोकें। तो हमारे बच्चे ये सारा दो दिन से, सैटरडे को भी हुआ, मंडे को भी अभी हो रहा है, इन्होंने पेंटिंग्स भी किया इसके ऊपर। तो अभी हम जब जहाँ पहुँचे तो हमारे साथ विशाल जी और हमारे भैया जी अनु भैया, ये वाले भैया जी सारे हमें कोऑपरेट कर रहे हैं। अभी जी आपके सामने मेरे भैया जी दो शब्द बोलेंगे स्वच्छता के लिए, बच्चों को थोड़ा सा और गाइड करेंगे। मेरे साथ गवर्नमेंट यूपीएस बारला चौगान की तरफ से जो आज ये रैली निकली गई ग्रीन सिटी क्लीन सिटी की तरफ से, हमें लेके देख के ये बड़ा अच्छा लगा। इस तरह से अगर सभी स्कूलों की तरफ से अभी सारे लोगों को अवेयर करते रहें तो लगेगा कि ये आने वाला जो लोगों का जो हमारा मिशन है ये अच्छे तरीके से हो जाएगा। बच्चों को हम प्रोत्साहन करते हैं और हमें अच्छा लग रहा है। विशाल, किस तरह का संदेश रहेगा स्वच्छता के लिए? देखिए, सबसे पहले तो यूपीएससी बारला चौगान के जो मैम नीलम मैम इनको लेके आए हैं वो धन्यवाद के पात्र हैं कि वो बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि कैसे हमें अपने भारत को स्वच्छ बनाना है। क्योंकि जो स्वच्छता का जो मिशन है सबसे पहले तो हमारे घर से शुरू होता है। हम अपने घर को अगर स्वच्छ रखेंगे तो ऑब्वियसली फिर मोहल्ला, हमारा गांव, धीरे धीरे हम अपने देश को साफ रख सकते हैं। तो देख के अच्छा लग रहा है कि बच्चों में काफ़ी उत्साह है स्वच्छता के प्रति और उन्होंने काफ़ी सफाई भी करी है। हम मैम से भी यही अनुरोध करेंगे कि ऐसे अभियान को वो चलाते रहें और हमें भी साथ में लेके चले, हम भी इनके साथ चलें ताकि हम अपने मोहल्ले को, अपने देश को स्वच्छ रखें। और जैसे कि जो कार्यक्रम शुरू किया है, छोटे छोटे कार्यक्रम चल रहे हैं, इनको बड़े स्तर पर लाने की ज़रूरत है ताकि जितने बड़े स्तर पर हम इनको लेके जाएंगे उतना ही हम अपने आप को, अपने देश को स्वच्छ बना पाएंगे। एक्चुअली है कि बैनर्स बन जाते हैं, रैलीज हो जाती हैं, राइटिंग्स हो जाती हैं, बींग अ राइटर पोइम्स लिखी जाती हैं, लेकिन जब तक हम लोग एक्शन नहीं करेंगे, जब हम एक्टिविटीज़ में नहीं लाएंगे तो हमारा कोई भी कार्यक्रम, हमारा कोई भी कार्य पूरा नहीं होता। इसलिए हमने बिलीव करना है एक्शन पे, तो वी आर क्रिएटिंग ऑल दीज थिंग्स फॉर एक्शंस। तो तभी हमने एक्टिविटी ज़्यादा रखा, बैनर्स कम बनाए, स्लोगन्स कम बनाए, बच्चों ने काम करके दिखाया है।
वो वाला एरिया क्लीन हो गया, अभी बच्चे ये वाला एरिया क्लीन करेंगे सारा। मैम क्या लगता है गवर्नमेंट द्वारा जैसे मुहिम चलाई जा रही है खासकर एजुकेशन डिपार्टमेंट पर, कितना असर जो है इसका जमीनी हकीकत पर देखने को मिल रहा है? गवर्नमेंट द्वारा स्कीम चलाई स्टेट नो टू प्लास्टिक, स्टेट नो टू पॉलीथीन, बट जमीनी स्तर पर क्या इसकी स्थिति? जमीनी स्तर पर देखो तो असर पड़ रहा है, क्योंकि जो भी हैबिट्स होती हैं वो पड़ती हैं वैल्यूज संस्कार छोटे समय से। तो जब हम नर्सरी वाले बच्चे जो आधे अब स्कूल में रहेंगे, वो हाफ वे तक आए थे हमारे साथ, जब वो वहाँ से करेंगे तो ये फॉर द लॉन्ग टाइम जो उनका नियम बन जाएगा। स्तर पड़ रहा है, सारे स्कूल्स के बच्चों का मैसेज घर तक पहुँच रहा है और घर वालों को बच्चे अवेयर करते हैं, मम्मी पापा को अवेयर करते हैं, डोंट थ्रो दिस। वो बोलते हैं कि यहाँ क्यों फेंका, पॉलीथिन गाय खा जाएगी, बीमार हो जाएगी, उनकी गाय के अंदर से इतना पॉलीथिन निकला। तो ये सब बच्चों तक पहुंच रहा है, इसका बहुत ही अच्छा असर पड़ रहा है और आगे भी होगा। और ऐसे प्रोग्राम हम करते जाएंगे, हमने एक टीम बना ली है, ये प्रोग्राम चाहे बंद हो जाएंगे, मेरी बाला चौहान की टीम बीच बीच में ये आफ्टर वन वीक और वन मंथ हम लोग ये करते रहेंगे, इसको आगे और बढ़ाएंगे। आपको सफाई रखने का मिल रहा है ये पता है?